हम अबू के साथ यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, और मेरे बहन भाई गिलगित गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं। मेरे पास एक बहन और मैं यहाँ उसे पढ़ने आए हैं। तो वहाँ मेरे अबू का जो खड़ा हो कोरोना वायरस की वजह से। दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं वकार अजीम। नाजरीन, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर बैठकर डोनट्स और सैंडविचेस वगैरह सेल कर रहा था। वो बच्चे की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। वो वायरल होने के बाद हमने उनकी तलाश की और उनके पास आए हैं पूछने कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, अपने घर के बाहर ये सब कुछ क्यों बेच रहे थे। आज हमारे साथ हैं आमिर हुसैन साहब, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा आमिर, ये आपने घर के बाहर सब कुछ क्यों लगाया हुआ है? जब पहली बार हम बेहट टाउन रहते थे तो वहाँ हमें अबू का जॉब खड़ा हो गया कोरोना वायरस की वजह से, तो हमें घर शिफ्ट करना पड़ा शादाब में। फिर उसके बाद हमने बैठे बैठे मामा को आइडिया आया बिजनेस खोलने का, घर के बाहर दुकान लगाने का। फिर हमने घर वालों से डिस्कस की, उसके बाद हमने ये दुकान खोला। फिर हमने दो तीन हमने ऐसे ट्राई की कितने लोग आते, फिर लोग ज़्यादा आए, लोगों को पसंद आई। फिर दो तीन दिन बाद लोगों को ज़्यादा लोग आए, उन्होंने कहा, टेस्ट भी किया, उनको बहुत अच्छा लगा। रोजाना दिन में 2-3-4 बार आते हैं। और क्या आप आमिर पढ़ते भी हो? जी पढ़ता हूँ। अभी कोरोना वायरस की वजह से ना छुट्टियाँ हुई ना, इसलिए अभी जब छुट्टियाँ खत्म होंगी तब मैं जाऊँगा। अच्छा, लोगों ने जब आपने ये लगाया तो उन्होंने क्या कहा, लोगों का रिएक्शन क्या आया था इस पर? लोगों को ये बहुत मज़ेदार लगा और उन्होंने कहा था, इससे तक मेहनत करो बड़ो के तुम डॉक्टर बनोगे, इससे तक तुम अभी से मेहनत करोगे तो बड़ो के कोई चीज़ करोगे, मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करने ना पड़ेगा। और इसी तरह मैंने भी ये आइडिया सोचा। फिर मैंने इसी तरह अभी तो हमने डोनर वगैरह बनाया, डोनर सैंडविच ब्राउनी बनाया, अभी तो हमने शुरू किया ना इसलिए। उसके बाद अभी तो हमने थोड़े दिन बाद हमने और भी चीज़ें बनानी है, अभी तो हमने शुरू किया इसलिए लोगों को ज़्यादा नहीं पता। लोगों ने तंकीद तो नहीं कोई की? कोई किसी ने तंग किया हुआ? बच्चे वगैरह तंग भी करते हैं ना, आके देखते हैं कि कोई बैठा हुआ बच्चा उसे छेड़ते हैं, किसी ने कोई तंग किया हो, छेड़ा हो? नहीं, इस तरह कोई नहीं। लोग गलते हैं, जब कोई जाते हैं वो कहते हैं मेहनत करो गुड लक बोलते हैं, और कोई आके खरीदते हैं वो कहते हैं बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है। वो पूछते हैं कि ये कौन बनाते हैं, ये हमने कब शुरू किया? हम कहते हैं कि जी मामा बनाती है और ये बहुत मज़ेदार है, मामा इस तरह की चीज़ें पहले भी बनाते थे, इसलिए हमने सोचा ये मामा को सोचा, हमने मामा और मैंने सोचा कि इस तरह चीज़ें सेल करें। इसके अच्छा बात सुनिए, ये आप किस टाइम शुरू करते हैं लगाना यहाँ पे? ये हम तकरीबन 4-5 बजे खोलते हैं, फिर 9-10 बजे तक हम ये दुकान बंद करते हैं, तब लोग ज़्यादा आते हैं। रात के टाइम सुबह तो धूप होता है इसलिए कम लोग आते हैं, फिर शाम जैसे होते हैं तब लोग थोड़े ज़्यादा आते हैं, फिर सेल पूरा हो जाते हैं। घर में ये बनाना कब शुरू करती मामा आपकी? ये मामा सुबह खाने के बाद 11-12 बजे हम खाना ये चीज़ें बनाना शुरू करते हैं, फिर 4-5 बजे हम दुकान खोल देते हैं। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं आप? अभी हम डोनट, ब्राउनी, सैंडविच, चिकन सैंडविच, वो चिटेबल सैंडविच, इस वगैरह में बनाते हैं। अच्छा, आपसे बात करके लग रहा है कि जैसे आप लाहौर के नहीं हैं, आप किस इलाके से हैं? हम गिलगित बल्तिस्तान से हैं। पहले हम गिलगित बल्तिस्तान रहते ना, तो हम अबू के साथ यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, और मेरे बहन भाई गिलगित गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं। मेरे पास एक बहन और मैं यहाँ उसे पढ़ने आए हैं मेहनत करने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नाज़रीन, आपको अभी स्टोरी दिखाई आमिर हुसैन की, जो कि एक छोटी सी उम्र में ही इस तरह मेहनत कर रहे हैं और अपना कमा रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर वालों का पेट पाल सकें, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से उनके फादर की जॉब चली गई थी, इसलिए अब उन्हें अपने घर का हाथ बिठाने के लिए ये काम खुद करना पड़ रहा है। उनकी वालदा ने हिम्मत दिखाई, जो कि ये चीज़ें बना बना के उन्हें दे रही हैं, और वो बाहर बैठ के गर्मी में ये चीज़ सेल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।